जी मेरा नाम रंजोत सिंह है, जहाँ पर मेरे तीन साल की स्टार है जम्बाल कंदाशी। कल सुबह जब मैं शॉप पे आया तो मैंने देखा मेरा भी शॉप का नाशा खुल ही रहा था। मैं कभी उसके लिए चाबी से खोल रहा था लेकिन वो खुल ही रहा था। फिर मैंने ऐसे उसको पत्थर का उसे खोला तो वो खुल गया। जैसे मैंने अपने शटर को उठाया तो अंदर देखा तो अंदर मेरी चोरी हो चुकी थी। मेरा एक सिलेंडर, इंजेक्शन, कोई 8-9 हज़ार के सिगरेट, कुल मिला के मतलब कि 40 हज़ार के करीब मेरा नुकसान हो गया। और ये जो चोरियों का सिलसिला है ये अपने का नाम नहीं ले रहा है। चलो तो मैं पहले सुनता था आज मेरे पास में यहाँ चोरी होगी, आज मेरे पास में जहाँ चोरी होगी, आज मेरे पास में जहाँ चोरी होगी, आज मेरे पास में दाएँ चोरी होगी, बाएँ में चोरी होगी, और कल को मेरे यहाँ चोरी होगी। मेरा मुद्दा ये है, आज मैंने इनको बुलाया मीडिया वालों को, मुद्दा मेरा ये है कि जो जो चोरियों का सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक दिन बीतता नहीं है कि दूसरे दिन चोरी हो जाती है, और चोर इतने बेखुआ हो गए हैं कि उनको परवाह किस बात की नहीं है। एक बात, दूसरी बात, ये जो हमारा चौक है जो एक क्रिया घंडियाल को रास्ता जाता है और एक जाता है जराई को रास्ता, और यहाँ पर पूरी मार्केट बनी हुई है। जब बाद में फोकस लेते हैं, यहाँ पे पूरी एक बिजी मार्केट बनी हुई है, और पंजाब से आना जाना, जहाँ से जो कीड़िया कंडियाल के रास्ते से पंजाब पड़ता है, हमारे दो रास्तों से पंजाब का नाका लगता है। इधर जो मतलब कि पंजाब का एरिया दो रास्तों से है, कीड़िया कंडियाल के रास्तों से है, एक हमारा जराई इधर वाले जराई वाले रास्ते से है। और जो हाँ जहाँ पर इतनी गाड़ियों की आवाजाही है, देखो बिल्कुल बिजी हो गया, और जहाँ पर पुलिस का एक बंदा भी नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इन कुछ वारदातों पे कुछ लगाम लगाना चाहते हैं कि रात को जहाँ पुलिस का कोई नाका हो जरूर। और ये चोरियाँ हो रही हैं, ये चोरियाँ कौन कर रहा है, चोरियों की वजह क्या है? पहली बात तो चोरी की वजह, जितनी भी चोरियाँ कर रहे हैं सब नशे करने वाले कर रहे हैं। इन चोरियों की वजह पर कोई नहीं पहुँच रहा है। ये नशे, मैं पहली बात कहना चाहता हूँ कि ये नशा बंद क्यों नहीं हो रहा है, पुलिस इस नशे पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? सारा दोष पुलिस का भी नहीं है। अगर 80% पुलिस का दोष है तो 20% हम लोगों का दोष है, क्योंकि कल जब पुलिस ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ती है जो ये दो नंबर के ऐसे चिट्टे के काम करते हैं, जहाँ जो चोरी करते हैं, जो चोरी चिट्टे के काम करने वाले, जो चोरियों के काम करने वाले होते कौन है, जो नशेड़ी होते हैं, अगर इनको पुलिस पकड़ भी लेती है, अंदर भी देती है, होते तो ये कमजोर है। हीरानगर का इंसिडेंट है, कोई भी अगर ये मर जाता है तो हमारे लोग ही चल पड़ते हैं प्रोटेस्ट करने के, पुलिस का हाय हाय पुलिस, हाय हाय पुलिस, ये इन लोगों की गलती है। चलो पुलिस का मैं पूरा दोष पुलिस का नहीं निकालता हूँ, पुलिस का भी निकालता हूँ पर अपने लोगों का भी निकालता हूँ। दूसरा नंबर, अगर पुलिस किसी सस्पेक्ट को पकड़ती है, तीसरा नंबर उनसे बरामद क्या होता है? क्योंकि जो उन्होंने सामान, जब तक पुलिस ने उनको पकड़ना होता है, जो उन्होंने सामान चुराया होता है वो तो उन्होंने आगे पीछे कर दिया होता है। चलो कुछ 1000, 1200, 1300, 1500 उनके हाथ से लग भी जाता है तो उसका क्या होता है? उसका 102 के नाम का पर्चा लगता है, वो 102 के पर्चे के तहत पुलिस उसको जेल में भेजती है। तो उसका प्रोसीजर क्या था? अगले दिन नेक्स्ट दिन कोर्ट उसको छोड़ देती है, तहसीलदार उसको छोड़ देती है। पुलिस वालों को पूछो, उनके पास भी इनको रोकने के लिए वो कहते हैं कि अगर हम इनको रखें तो कैसे रखें? ऐसा कोई प्रोविजन बनना चाहिए कि पुलिस इन लोगों को पकड़े, और पुलिस भी खुद डरती है इनको पकड़ने के लिए कि अगर हम इनको पकड़े हवालात में रखें, अगर इनको रखते हैं हवालात में, अगर ये मर जाते हैं तो हमारी नौकरी पे इशू आ जाता है। एक बात तो जो है, इसका हल हम लोग रिपब्लिक नहीं निकाल सकती है, इसका हल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बैठ के खुद निकाल सकती है। पुलिस, ये बात नहीं है कि पुलिस की जवाबदारी इसके लिए नहीं होनी चाहिए, पुलिस की जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमको अगर प्रोटेक्ट करेगा कौन करेगा? पुलिस करेगी। अगर पुलिस हमारे आगे हाथ उठाएगी कि भाई अगर हम इनको लाते हैं ऐसे करते हैं, तो भाई ये आपका जवाब नहीं है, आप लोगों ने इसका रास्ता निकालना है, हमको बताना है, हमने उस रास्ते पे चलना है। अगर पुलिस ही खुद हाथ खड़े कर देगी तो हम कहाँ जाएंगी? तीसरी बात की ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? चोरी पे चोरी। कुछ कंट्रोल होना चाहिए इन बातों पे। अच्छा भैया जी, जिन्हें कि मेरे बड़े भरा का दस साढ़े इलाके पता नहीं किनिया चोरियां हुई तीजे रात में मतलब कि कोई हूँ रिजल्ट भी नहीं है साढ़े को। अच्छे छोटी जी एक लिस्ट बना लगे थे जेड़ी दुकान पर चोरी हुई है। स्टार्टिंग अं बी होती शॉप पर की रुजोत सिंह होंगी, वो बाद नैक्सट टाइम लिखी है नाल ही युवराज हमारी शॉप है, इनकी भी चोरी हुई। अगे विशाल जी हमारी शॉप है, रेस्टोरेंट है, उनकी बुलेट बाइक लेइए
उन्दे ढक्कन लेइए सीवरेज दे, ठीक है। आपूं जी पुराना जी उहदा घर है, उहदी उह सिर्फ रोटी खाण गए घर अपने, बाइक बाहर लाई गेट दे नाल ही बाइक चुकी ले गई। उहदे अगे चलिए तुसीं सोनू रहे होंदे, मुन्ने रहे होंदे, उन्हें ट्रैक्टर राती अपने घर लगा उहदी पैटर लेइए। नाल ही इह वी नहीं है कि बिच कोई 100 मीटर का गैप है, सिर्फ मेरे हिसाब नाल 10 मीटर का गैप नहीं होना एक दूजे घर तो, ठीक है। मुन्ने वेह अगे चलिए तुसीं लवली वेह होंदे, लवली वेह की बाइक लेइए चुकी, ठीक है। इस साइड आई हो तुम, ये सिर्फ मेरे हिसाब से 50 मीटर के अंदर अंदर गया सुना। इस साइड चलिए मेरे लैफ्ट साइड, लैफ्ट साइड सर नाल ही एसी की शॉप है, उनका एसी के लिए उसके अगे चलिए सर तुम इतने अगे प्रोग्राम मकान बना रहे मोटर, ठीक है। ये टाइम होंगे साढ़ा किसानों का कि झोना वगैरह ला दें, उन्हें सारे वाटर पंप अपने पैली च ला देते, राती वो घर दिंदे सवेरे वाटर पंप उनका गुम हो जाता हूँ, चोरी हो जाता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि किसान को सिर्फ महीने का काम होता अपनी जमीन ही मुड़ो बंजर तो हरियाली देने का, अगर जो महीने जो मोटर ही ले जाएंगे चुकी है तो उन्हें मोटर खरीदते एक किसान ही पता है कि वह मोटर कि खरीदा, ठीक है। उन्हें पता नहीं कुत्थों कर्जा लेना होना, कुत्थों उन्हें अपनी बैंक से लिमिट बना दी होनी, ठीक है। तो साड़ी रिक्वेस्ट यह है कि इतने प्लीज़ राती दिन अं नहीं कि दिन राती कोई 8 बजे बाद दो बंदे सानू अपॉइंट करो इतने ताकि उन्हें चोरों ही डर हो, ठीक है। इंजा तो कल ही अं नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, पहले अं कभी इतने नहीं यह सुने हाँ कि चोरी होती है, ठीक है। अच्छ को 5-10 साल पहले चली कभी इतने चोरी आदि हिम्मत नहीं होती, यह एक चिट्टे आइए नशे आइए शायद मैं पुलिस से आख नहीं सकता क्योंकि अं पुलिस सुनागे कि एडा बंदा बेचा है तो उन्हें उन्हें पकड़ना, बट कोई भी नहीं सुना क्योंकि इंसान भी डरता कि क्या पता पुलिस मिले दी नहीं हो, ठीक है। उस वजह इंसान डरता है। साड़ी रिक्वेस्ट है कि 8 बजे के बाद इतने 2 पुलिस कर्मचारी सानू परमानेंट अपॉइंट करन ताकि उन्हें चोरों ही डर हो, क्योंकि ये तो चलते रोड पर ही चुट्टी ले जाते हूँ सानू नहीं पता ट्रैक्टर चलाते हैं क्योंकि चीज़ कोई बोरी तो है नहीं कि जेब च पाई जा कोई छोटी चीज़ तो है नहीं जेब च पाइए चोरी कर ली, बाइक है इधरों बाइक चुकोई इधरों बाइक चुकोई, हालांकि तुम मन नहीं सकते हो कि एक इंसान ने अपने घर वेट मारने के डंबर रखे थे वो भी चोरी ले।